हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन हिस्ट्री प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि ये हमारा अब यूपीपीसीएस मेंस आने वाला है और इसके लिए जो 2019 में जो मेंस प्रस्तावित है वो 25 अगस्त से प्रस्तावित है, और इसके अलावा अगर आप 2020 या 21 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जो यूपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा होगा कि पेपर वन में अगर आपने 2018 का यूपीपीसीएस का मेंस पेपर देखा होगा तो पेपर वन में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर टू में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो स्पेसिफिक यूपी के प्रश्न हैं, और ऑलरेडी मैंने जीएस पेपर वन के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें डिस्कशन कर चुका हूँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो 25 अगस्त को पेपर है उसको खास तौर पे ध्यान में रखें। हालांकि ये आपके लिए, आप खुद देखेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट इस तरह से हैं कि 2020 के लिए भी ये काम आने वाला है, 2021 के लिए भी काम आने वाला है, और जो आगे एग्जामिनेशन होने वाला है मतलब एक दो साल तक क्वेश्चन का पैटर्न ये सेम रहेगा। तो ये आपको आने वाले जो लोग 2021-20 की भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी काम आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं। हफ्ते में कोशिश करूंगा एक दो दिन एक एक क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। कोशिश करूंगा कि यूपी पीसीएस का जब तक एग्ज़ाम हो रहा है तब तक 20-25 क्वेश्चन या 20-25 टॉपिक कम से कम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रिपेयर करा दिया जाए, क्योंकि डेली आंसर राइटिंग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चल ही रहा है और भी सारी चीज़ें हैं तो वो साथ में चल रही हैं, तो इतना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि मेरे पास एक 150 क्वेश्चन की लिस्ट है जो सिर्फ यूपी से रिलेटेड है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको शेयर कर दूंगा, लेकिन उसके मॉडल आंसर नहीं है मेरे पास। तो अब देख लीजिए, आपको अगर काम के हों तो मैं उस क्वेश्चन की लिस्ट को आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और आंसर खुद से लिख लें, और मैं तो लिखूंगा ही, मैंने खुद लिखा भी है, काफ़ी आंसर लिख चुका हूं, काफ़ी लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पे जो हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं तो आज क्वेश्चन नंबर वन होगा। उससे पहले जो एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आपने अगर अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2019 की सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें मैं हिंदी मीडियम से इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ, और एक बड़ी बात ये भी है कि 2019 में ही यूपीपीसीएस मेंस मैं आप लोग के साथ ही लिखने वाला हूँ, तो जो लोग लिख रहे हैं उन लोगों के साथ मैं भी हूँ। तो प्रश्न पढ़ते हैं, और ऑलरेडी ये जो प्रश्न है, जो प्रश्न आपके सामने है वो यूपीएससी हिंदी कैपिटल में आप सर्च करें यूपीएससी हिंदी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक पे जाएं, यूपीएससी हिंदी नामक टेलीग्राम चैनल पे ये एक दिन पहले ही अपलोड हो जाता है, यानी ये प्रश्न आज 3 जुलाई है और ये 2 जुलाई को अपलोड हो चुका है, तो आप वहां से इस प्रश्न को पा सकते हैं और पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है, केवल हिंदी में ये मेरे पास प्रश्न है, इंग्लिश में नहीं है, तो सॉरी फॉर इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए द्वारा लिए गए विभिन्न ई प्रशासन पहलों पर चर्चा कीजिए, इनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को एक बार समझते हैं कि प्रश्न की डिमांड क्या कह रहा है। तो प्रश्न की डिमांड ये है, पहला भाग अगर आप बताएं तो प्रश्न की डिमांड ये कि कौन कौन सी ई प्रशासन पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, आपको उसके बारे में कुछ बताना है। अच्छा, ये प्रश्न 200 शब्दों का है, और मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस का जो पैटर्न है, दो तरीके का प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 125 शब्द और 200 शब्द। ठीक है, तो मैं डेली बताता रहूंगा कि 125 शब्द में लिखना है, 200 शब्द में लिखना है, और आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि 125 शब्द में आप 150 लिख सकते हैं, 200 शब्दों में आप 220 तक लिख सकते हैं, तो आपको इतनी अनुमति है लिखने की, और टाइम भी इतना है कि आप आराम से इतना रीच कर सकते हैं। लेकिन 150 से ज़्यादा लिखना मतलब अपने पैरों को कुल्हाड़ी पे मारना, ठीक है, कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मारना, अपने पैरों को कुल्हाड़ी पे मारना होगा, क्योंकि उससे टाइम और स्पेस दोनों की कमी आपके सामने पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है पहला पार्ट, अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो पहला पार्ट बोल रहा है कौन कौन सी ई प्रशासन पहले जो कि यूपी सरकार के द्वारा शुरू गई, इनके समक्ष चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है। तो दूसरी बात बोल रहा है इनके समक्ष चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, आपको वो बताना है। अब देखिए, प्रश्न तो ये था, प्रश्न की समझ हो गई होगी आपको। अब मैं बताता हूं कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन आप कई तरीके के लिख सकते हैं, एक तरीका मैंने यूज़ किया, आप अलग तरीके से लिख सकते हैं, आप कुछ आंकड़ा बता सकते हैं, ठीक है, कुछ रैंकिंग बता सकते हैं। ठीक है, जैसे एक है नेशनल ई गवर्नेंस सिस्टम एनालिसिस, एक NEGSDA, मुझे ऐसे शॉर्ट में याद होता है, फुल फॉर्म याद नहीं होता है कभी, मैं ना कभी याद करता हूँ, मैं सीधे, आपने देखा होगा कि आंसर में भी ये सीधे लिख देता हूँ। एक ये क्या हुआ, एक एनालिसिस हुई है, उसमें रैंकिंग दी गई है उत्तर प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस में, यानी ई गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग सबसे लोअर राज्यों में है, मतलब सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो आप इस तरीके का भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की बहुत खराब रैंकिंग है, जिससे जो इनकी ई प्रशासन पहले इन पर चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं
ये काफ़ी निगेटिव इंट्रोडक्शन हो जाएगा जब आप बताएंगे इतनी खराब रैंकिंग है। अगर कोई अच्छी रैंकिंग रहती तो मैं इंट्रोडक्शन में लिखता कि उत्तर प्रदेश इतनी बढ़िया रैंकिंग में ले आ रहा है, यानी पहले बहुत अच्छी हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसीलिए मैं यहाँ पे बचने का प्रयास करूँगा, इसको शुरू में नहीं लिख के इसको बाद में कहीं पे भिड़ाऊंगा। शुरू में क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन सिंपल बता दूंगा ई गवर्नेंस क्या है। तो मैं इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ ई गवर्नेंस क्या है और उसका कुछ महत्व बताते हुए, ई गवर्नेंस का उपयोग बताते हुए इंट्रोडक्शन को 20 से 25 शब्दों में लिखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब मेन बॉडी पे देखते हैं कि मेन बॉडी की डिमांड क्या है। तो मेन बॉडी की देखिए क्या बोल रहा है, पहला पार्ट सीधे आपके सामने है, ई प्रशासन पहलों पर चर्चा कीजिए। तो वही लिख दिया कि कौन कौन सी ई प्रशासन पहले उत्तर प्रदेश की, उस पर चर्चा करनी है आपको। ठीक है, दूसरा पार्ट इसके सामने बोला इनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है। तो आपको बताना है चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, यार जब निपटना है आपको तो पहले आपको ये तो पता होनी चाहिए कि चुनौतियां क्या क्या हैं। तो मैं दूसरे पार्ट में क्या बताऊंगा, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि ये चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश की जो ई गवर्नेंस से रिलेटेड चुनौतियां हैं। तीसरा मैं बताऊंगा समाधान, क्योंकि वही पूछा है कैसे निपटा जा सकता है, तो समाधान मैं बता के निष्कर्ष के तौर पर आंसर कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा कि आप क्वेश्चन को इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण जो सुझाव है वो आपके सामने ये है कि टू द पॉइंट आंसर लिखिए, इधर उधर बिल्कुल भी ना भटकें। आपको ध्यान में रखना है कि शब्द सीमा केवल 200 शब्द है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को जानकारी बहुत ज़्यादा हो ई गवर्नेंस योजनाएं, जैसे मुझे अभी करीब उत्तर प्रदेश की 7-8 ई गवर्नेंस योजनाएं याद आ रही हैं, है ना। अब सोचिए आप, मैं उन 7-8 की चर्चा करने लगूंगा और चर्चा करूंगा तो 150 शब्द यहीं पे चले जाएंगे केवल ई गवर्नेंस पहलों की चर्चा करने में, जैसे लोकवाणी, इवन दर्पण जो एक पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की, दर्पण पहल है। ठीक है, डैशबोर्ड आधारित जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो लोग परियोजनाओं का इसमें निगरानी कर रहे हैं, जन सुनवाई पोर्टल है। ठीक है, लोकवाणी है जो भूमि अभिलेख और इन चीज़ों का रख रखाव कर रहा है, ई ताल है, ये सब जो भी प्रोजेक्ट हैं आपके लिए प्री के UPPCS प्री में, मुझे उम्मीद है आपने ये चीज़ों को पढ़ा होगा, UPPCS प्री की प्रिपरेशन के दौरान आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि यार ये चीज़ें कितना लिखेंगे आप, कौन कौन सी लिखेंगे, कितनी ज़्यादा पहले हैं। ठीक है, ई गवर्नेंस की कितनी ज़्यादा पहले, तो मैं क्या करूँगा कुछ शॉर्ट पहलों की चर्चा करूँगा, चार पाँच पहलों की चर्चा करूँगा, आखिरी में जो पैराग्राफ आखिरी लिखूँगा उसमें पहलों को लाइन से बता दूंगा कि कुछ पहले और भी चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह समझिएगा कि बहुत ज़्यादा लिखने से आपको बचना है। तो वही मैंने लिखा है शब्द सीमा 200 शब्द दिए, इस बात को ध्यान में रखिए, आपको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, तो मैंने देखिए इंट्रोडक्शन 25 शब्दों में लिखा किस तरीके से, ई गवर्नेंस इंटरनेट से जुड़ी प्रणालियों, उदाहरण के तौर पर मोबाइल, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के प्रयोग द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाएं, देखिए ये कीवर्ड है जिसको हम पेपर 2 यानी गवर्नेंस का जो पार्ट है उसका एक कीवर्ड, प्रमुख कीवर्ड है क्या, नागरिक केंद्रित प्रशासन। तो यूज़ करना है इसको अधिकतर क्वेश्चन में। तो नागरिक केंद्रित सेवाएं, उदाहरण के तौर पर प्रमाण पत्र, भू अभिलेख, सब्सिडी और भी ढेर सारी जो भी आपको दिमाग में याद आ रही हो, प्रदान करते हुए सुशासन प्राप्त करने का प्रयास है। तो आप देखेंगे मैंने इंट्रोडक्शन में दो प्रमुख कीवर्ड यूज किया, एक तो नागरिक केंद्रित सेवाएं, दूसरा सुशासन। तो मैं क्या बता रहा हूं, ई गवर्नेंस सुशासन, ठीक है, प्राप्त करने का एक प्रयास है। किस तरीके से सुशासन प्राप्त करने का प्रयास है, इंटरनेट से जुड़ी प्रणालियों द्वारा, इसके प्रयोग से इंटरनेट से जुड़ी प्रणालियां जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, IT enabled services, ठीक है, इसके द्वारा सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं प्रदान करते हुए सुशासन प्राप्त करने का प्रयास है। तो मैं इस तरीके से एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख दूंगा, मतलब समझ रहे हैं, जब ये इंट्रोडक्शन जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी, क्या बात है सुशासन प्राप्त कर ले रहे हैं हम ना, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको लग जाएंगी। अब मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश सरकार की ई गवर्नेंस पहले, डायरेक्ट सीधे प्रश्न की डिमांड है तो मैं सीधे पूछ जाऊंगा प्रश्न की डिमांड बताने के लिए, और इसको बक्से में कर दूंगा ताकि क्लियर दिख जाए एग्जामिनर को कि हाँ भाई साहब ने ए पार्ट लिखना शुरू कर दिया है। तो मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पहले कौन कौन सी हैं, लोकवाणी। अब लोकवाणी में बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करने को, मतलब जो लोकवाणी पहले उत्तर प्रदेश की 2004 में शुरू की गई थी, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने UPPCS प्री निकाला है तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। तो 2004 में लोकवाणी पहल शुरू की गई थी और इसमें काफ़ी चीज़ें थी, मतलब जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भू अभिलेख जो है उसके डिजिटलाइजेशन, इवन एम्प्लॉयमेंट की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये जो लोकवाणी पहल है ये सब चीज़ों को देखती है। अब ये लोकवाणी पहल क्रियान्वित कैसे की जा रही है, तो इसका क्रियान्वित करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर CSCs बोलते हैं इसको, इसके माध्यम से क्या कर रहा है लोकवाणी पहल, प्रमाण पत्र, उदाहरण के तौर पर जाति निवास आदि तथा भू अभिलेखों के संदर्भ में जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा योजना है, स्कीम है, लेकिन आप कितना लिखेंगे, तो वही मैंने इसको क्या किया 20 शब्दों में शॉर्ट कर दिया, जितना लिख पाया 20 शब्दों में मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया कि इसके क्या किया जा रहा है लोकवाणी पहल में, कॉमन सर्विस सेंटर सेवा प्रदाता है लोकवाणी पहल का, और इसके माध्यम से प्रमाण पत्र, जाति, निवास, ये सब भू अभिलेखों के संदर्भ में
जानकारी ये सब प्रदान की जाती है। तो मैंने ये बात बता दी, ठीक है, लोकवाणी पहल। ठीक है, अब दूसरा मैंने बताया जन सुनवाई। तो जन सुनवाई आपने सुना होगा, अभी मोबाइल गवर्नेंस का एक जमाना है और मोबाइल ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं चाहे तो, जन सुनवाई मोबाइल ऐप है। वहां पर क्या होता है, जन सुनवाई मोबाइल ऐप में आप अपनी शिकायतें बताएंगे कि मेरे यहाँ की सड़क खराब है, मेरे यहाँ की नाली खराब है, नाली जाम हो गई है। आप बताएंगे कि आपकी जो जमीन है उसको भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। इवन इसके लिए बनाया भी गया एंटी भूमाफिया भी एक पहल है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, एंटी भूमाफिया है ना। तो ये क्या है, एंटी भूमाफिया एक पोर्टल भी है। तो आप बताएंगे कि ये चीजें हो रही हैं। तो ये क्या होगा, जब आपने जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायतों को रजिस्टर कराया तो जो अधिकारी होगा, जो रिलेटेड ऑफिसर होगा, जिसके दायरे में वो काम आएगा, उसको ये पोर्टल अपना काम आरक्षित कर देगा, उसको बता देगा कि तुमको ये काम करना है, उसके बाद वो इंसान आपके काम करेगा। अब क्या है इस प्रणाली के सबसे खास बात, आप अपनी शिकायतों को ट्रैक कर सकते हैं और जो सरकारी अधिकारी है वो भी ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए एक बड़ा ऑफिसर है डीएम, अब डीएम को देखना है कि कितना काम उसके जिले में हुआ, तो वो क्या करेगा, जन सुनवाई पोर्टल खोलेगा, अपना अकाउंट लॉगिन करेगा और देखेगा ये जो शिकायत है इसका निस्तारण हुआ कि नहीं, ये शिकायत का निस्तारण हुआ कि नहीं, ये शिकायत का निस्तारण हुआ तो नहीं। तो जैसे आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री दरबार लगता है, डीएम दरबार लगता है हर हफ्ते में, ये एक तरह से आप समझ लेते हैं ई दरबार का काम कर रहा है। जन सुनवाई पोर्टल क्या है तो एक बार मैं पढ़ देता हूं जो समझाया आपको। यह मोबाइल ऐप आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है जिसके माध्यम से नागरिक एवं सरकारी अधिकारी शिकायतों को ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, इसका हाल में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा गया, COVID-19 संकट के दौरान इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को वापस पहुंचाने में किया गया। तो इस पोर्टल पे आप रजिस्टर कराएं कि आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रवासी हैं, यहाँ पर आप फंसे हुए हैं, तो आपको इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, आपको वापस ले आने का भी प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जन सुनवाई पोर्टल, और COVID-19 से रिलेट कर देंगे तो करंट अफेयर से एक ऐड हो जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, दर्पण। दर्पण क्या है, इसके माध्यम से जिला अधिकारी जिले की स्वीकृत विकास योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पे और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि इससे क्या होगी, योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, नियमबद्ध तरीके से हो जाएंगे, इतना टाइम नहीं है लिखने का। तो मैंने सिंपल बता दिया इसके माध्यम से जिला अधिकारी क्या कर रहे हैं, जो जिले में जो विकास योजनाएं स्वीकृत है, मान लीजिए सड़क इतना बनाना है, इतना रोड बनाना है, सॉरी सड़क रोड सेम हो गया, नाली बनाना है, ठीक है, और कोई काम है, पार्क बनाने हैं, या फिर आप कह सकते हैं अमृत योजना का क्रियान्वयन है, तो जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका रियल टाइम आकलन, रियल टाइम मॉनिटरिंग मतलब सीधे पोर्टल खोलेंगे, दर्पण पोर्टल, ठीक है, दर्पण पोर्टल सीधे खोलेंगे, एनालिटिकल रिव्यू, इसका फुल फॉर्म बहुत अजीब सा है, देख लिए नेशन वाइड समथिंग कुछ करके है ना। तो इसको जो वो खोलेंगे तुरंत उनको पता चल जाएगा कि अच्छा ये परियोजना यहां तक कंप्लीट हो गई है, ये परियोजना यहां तक कंप्लीट हो गई है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग में सक्षम बना रहे, ठीक है, तो इस बात को आप समझिए। फिर चौथा है निवेश मित्र पोर्टल, ठीक है, चौथा क्या है, निवेश मित्र पोर्टल। तो औद्योगिकरण के लिए मैंने बता दिया, औद्योगिकरण के लिए उत्तर प्रदेश के तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश प्रस्तावों का सिंगल विंडो समाधान हेतु, मतलब इसमें क्या होगा कि आपको उत्तर प्रदेश से निवेश करना है तो आप बताएंगे मुझे इतना निवेश करना है इस निवेश मित्र पोर्टल पे। तो मान लीजिए आपको बताएंगे आपको इतनी भूमि चाहिए, तो भूमि चाहिए तो आपको UPSIDC के पास जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, कॉरपोरेशन, UPSIDC है एक विभाग है। इसके अलावा और ढेर सारे विभाग हैं, जैसे आपको उत्तर प्रदेश का जो पर्यावरण विभाग हो उससे परमिशन, अलग अलग परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करिए, आप बताइए कि आप निवेश करना चाहते हैं, आपको ये चीज रिक्वायरमेंट है, तो ये सारा सिंगल विंडो आपको समाधान दे देगा। ये कौन सा है, निवेश मित्र पोर्टल, ठीक है, तो निवेश मित्र पोर्टल बता दिया। अब इसके अलावा बहुत सारी और स्कीमें, मैं सबके बारे में बताने लगूंगा तो ये कभी आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप क्या करें, एक फ्लो डायग्राम बता दें, ऐसे लिख दें अन्य पहले वन, ऐसे बता दें कि जो किसानों का जो ऋण माफ हो रहा है उसका पोर्टल बनाया गया है। इसके अलावा ई मदरसा पोर्टल है, ठीक है, ई शिक्षा पोर्टल है, तो आप चाहें तो इस तरीके से बता दें यहाँ पर। या तो आप क्या कर सकते हैं जैसे मैंने किया, एक पैराग्राफ में बता दिया दो चार जो मुझे याद है उस समय एग्जाम में, अभी तो बहुत याद आ रहा है, लेकिन लिखते समय जब मैंने इसको क्वेश्चन किया था 10-10.5 मिनट के टाइम में, आज टाइम देखा नहीं रहते वैसे, क्योंकि ये मेरा पहला क्वेश्चन था UPPCS का जो मैं आप लोग के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैंने आज क्या किया है, गलती की, मैंने टाइम देखा नहीं कितने देर में किया, तो मैंने वही लिखा जो मुझे याद आई। अन्य पहलों में ईताल, डिजिधन मेला, DBT हेतु, जैम ट्रिनिटी मतलब आपको पता ही होगा जनधन आधार मोबाइल इत्यादि का प्रयोग, ये सब काम उत्तर प्रदेश सरकार ई गवर्नेंस पहलों के रूप में कर रही है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे आता हूँ जल्दी से, क्या बोल रहा है, चुनौतियां बतानी है। तो चुनौतियां क्या है, उत्तर प्रदेश में भाई कितनी ग्रामीण जनसंख्या, आपको पता है बहुत ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है ना, यही तो आंकड़ा होता है, बहुत ज़्यादा कितनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी ग्रामीण जनसंख्या है, जो भी 70% के आसपास होगी, इवन थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो ग्रामीण जनसंख्या, इसमें ई साक्षरता है नहीं भाई, पहली बात तो साक्षर नहीं है, साक्षर हैं भी तो ई साक्षर नहीं है।
तो ई साक्षरता नहीं रहेगी तो कैसे डिजिटल जो गवर्नेंस पहले है उसको कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इवन मेरे यहाँ मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, मैं गोरखपुर में हूँ सीएम के शहर से, और वीडियो नहीं अपलोड होती है, बहुत टाइम लग जाता है, रात हो जाती है वीडियो अपलोड होते, तो इंटरनेट कनेक्शन एक बड़ी प्रॉब्लम है। ग्रामीण विद्युतीकरण बहुत प्रॉब्लम है भाई, ग्रामीण अभी आप देखेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण तो हो गया है, मान लीजिए आपने आपने स्कीम का नाम सुना होगा, जो भी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, जो भी है ऐसे समथिंग एक स्कीम है जो कि ग्रामीण विद्युतीकरण कर रही है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन करा रहा है, लेकिन विद्युतीकरण हो गया मतलब खंभे पहुंच गए हैं, तार पहुंच गए हैं, लेकिन बात क्या हुई, बात यह कि घरों को कनेक्शन नहीं मिला है, तो घरों में कनेक्शन का अभी भी अभाव है, तो जब विद्युत होगा ही नहीं तो मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे, कंप्यूटर कहाँ से चलाएंगे, तो ये है। और भाई लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, कॉमन सर्विस सेंटर पे बार बार जाना पड़ता है, तो इससे क्या होती है वहनीयता का संकट हो जाता है कि बार बार उसको पैसा खिलाना पड़ता है, जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला है वैसे उसको 10 रुपये देने चाहिए लेकिन मांगता है 200, ठीक है। आप जनरली कभी जाके देखेगा जाति प्रमाण पत्र बनवाने तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है ई गवर्नेंस की। तो पहली पॉइंट मैंने ये बता दी जो कि किससे रिलेटेड थी, ई साक्षरता के अभाव से रिलेटेड थी। दूसरी प्रॉब्लम अधिकारियों के प्रशिक्षण का अभाव है तथा उनके द्वारा फाइलों के भौतिक सत्यापन पर जोर है। भाई क्या हुआ, ई गवर्नेंस पहले बना तो दी गई है, देखिए ई गवर्नेंस पहले है तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अभी भी क्या करते हैं, कहते यार ऐसा है फाइल ले आओ, ये ईमेल कर देते हो ना तो हमको समझ में नहीं आता है, ये तुम पोर्टल पर रजिस्टर करा देते हो मेरे बस का नहीं है, कैसे क्या समझें हम, पोर्टल वोटल पर मेरे बस का नहीं है, तुम फाइल ले आओ। अभी भी क्या है, भौतिक सत्यापन पर जोर दिया जाता है, जैसे आप देखेंगे पासपोर्ट सेवाएँ हुई, ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कोई भी चीज़ें जो भी आप सर्विसेज देखते होंगे वहाँ भी, जैसे आप कॉमन सर्विस सेंटर पे भी जाएंगे तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम है कि अभी भी फाइलों के भौतिक सत्यापन पर जोर है। जैसे आप कभी सर्टिफिकेट बनाना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, तो आपको पता चलेगा आपको फाइल लेके अपनी इनकम सर्टिफिकेट और ये सब लेके बार बार आपको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि भौतिक सत्यापन पर जोर अभी भी दिया जा रहा है। तीसरी बात, स्थानीय स्तर पर नवाचार का अभाव तथा ई गवर्नेंस पहलों के प्रति जागरूकता की कमी है, ठीक है। अभी मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ जो आप समझ जाएंगे कि यार क्या बात है, ये आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा एंड में, अभी तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ और मैं आपको ये बताऊंगा मैंने क्या सोच के सारे पॉइंट्स लिखे, ठीक है। ये बात मैं एंड में बताऊंगा, मतलब ये जो चुनौतियाँ मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मैं बताऊंगा ये चुनौतियाँ मेरे दिमाग में आई कैसे, ठीक है, तो वो काम हो जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। तो स्थानीय स्तर पर नवाचार का अभाव है तथा ई गवर्नेंस पहलों के प्रति जागरूकता की कमी है, मतलब पता ही नहीं है कि कौन कौन सी गवर्नेंस पहले चल रही है। मतलब समझ लीजिए एक गांव के आपके बाबा होंगे, बाबा से पूछिएगा कि कभी ई ताल पोर्टल का नाम सुना है, कहेंगे ई ताल वाल क्या है, चाहे कहेंगे ये रामगढ़ ताल कोई झील है उसका है क्या कुछ ऐसा, है ना, या फिर पूछेगा कि निवेश मित्र पोर्टल का नाम सुना है, या चलिए ये छोड़ दीजिए, पूछेगा जन सुनवाई पोर्टल जानते हैं बाबा जी, तो कहेंगे जन सुनवाई का हो, ऐसे पूछेंगे। तो ये बात समझिएगा ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो जागरूकता की एक बहुत बड़ी कमी है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में एक सामान्य प्रॉब्लम होती है। चौथा, ई गवर्नेंस आंकड़ों के अद्यतन मतलब अपडेटेशन, शुद्ध हिंदी हो गई, अपडेटेशन की कमी है, ठीक है, अपडेट नहीं आंकड़े। अतः उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ई गवर्नेंस मूल्यांकन जो मैंने NESGDA बताया था ना, NESGDA, ठीक है, तो ये क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस मूल्यांकन, ठीक है, असेसमेंट था ये, तो मूल्यांकन में क्या हुआ है, सबसे निचले राज्यों में एक रहा है उत्तर प्रदेश, तो इस कारण से एक प्रमुख चुनौती है ये कि उत्तर प्रदेश बहुत ही निचले स्तर पर रहा है, ठीक है। एकाध चुनौती आप ये बता सकते हैं, एकाध जो मैं चुनौतियां और बता रहा हूँ आप चाहें तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वही स्पेस की कमी है, कैसे ऐड करेंगे। एक तो है प्रोसेस री इंजीनियरिंग का अभाव है, ठीक है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग का अभाव है, हालांकि वो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक तरह से, ये भौतिक सत्यापन जो फाइनलों का है ये एक तरह से प्रोसेस री इंजीनियरिंग का अभाव ही बता रहा है, लेकिन आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं इसको, प्रोसेस री इंजीनियरिंग का अभाव है। प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब ये सीधी बात है, आपने बोल दिया कि हम एम पोर्टल है, मोबाइल पोर्टल आपने बता दिया कि ये मोबाइल पोर्टल में आपकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन जो समस्याओं के समाधान का प्रोसेस था, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, पहले फाइलें जाती थी, फाइलें DM साहब के पास जाती थी, DM साहब बोलते थे चपरासी से एक बार चेक करके बताओ क्या है, फिर DM चपरासी बोल देता था हाँ सर सब सही है साइन कर दो, DM साहब साइन कर देते थे, तो वो प्रोसेस पहले चलता था। अभी क्या, अब ई गवर्नेंस है, अब क्या है, DM साहब के पोर्टल पे जाएगी, जो DM साहब का लॉगिन होगा DM का उस पे जाएगी, तो DM साहब को अब क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, अपना डिजिटल हस्ताक्षर देख के करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी क्या है, री इंजीनियरिंग प्रोसेस का नहीं भी किया गया, अभी भी वही चीज़ है, अभी फाइल जा रही है पोर्टल पे फाइल जा रही है, तो क्या हो रहा है, उसको डाउनलोड किया जा रहा है, उसका प्रिंट आउट निकाल के फिर से वही काम हो रहा है जो पुराने काम थे, तो प्रोसेस री इंजीनियरिंग का अभी भी भाव है, वही जो मैंने बताया भौतिक सत्यापन अभी भी प्रमुख है, तो मैंने बता दिया ये। अच्छा, चुनौतियों को मैंने सोचा कैसे, तो देखिए सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई थी, 4A प्रॉब्लम,
याद है मैंने 4A प्रॉब्लम बताई थी, पेपर 1 पेपर 2 में हर जगह यूज करने के लिए मैंने बोला था। और आपने अगर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का, ये जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पे चलता है, 60 लेक्चर का आपने अब तक देख चुके होंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों का खेल है। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, आपको केवल एक दो पहले पता होनी चाहिए यूपी की, कि पहले कौन सी है, वहीं पे थोड़ा स्पेसिफिक, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूपी की ई गवर्नेंस पहले कौन सी है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों का खेल है। मतलब ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने 4A इश्यूज बताए थे, 4A इश्यू मतलब मैंने बताया था अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, इस बार इस चीज़ पे देखिए, ये सारी चुनौतियाँ हैं ई गवर्नेंस के समझ की नहीं। अवेलेबिलिटी, किस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है भाई? नेट कनेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैंने पहला पॉइंट यही तो लिखा है, क्या लिखा है मैंने, यही पॉइंट लिखा है। अफोर्डेबिलिटी मतलब आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएंगे, वहाँ पर आप पहले तो जाएंगे खोजेंगे कि कॉमन सर्विस सेंटर है कहाँ, उसके बाद किराया देके वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर भी पैसा देंगे तो अफोर्डेबल नहीं है, मतलब महंगा पड़ जा रहा है आपके लिए, ये बात समझिएगा। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब पहली बात तो ये कि जो लोग भी हैं ना, मतलब आप समझिए, जैसे मैं ही एक एग्जांपल देता हूँ, जो लोग हैं वो लोग भी नहीं चाहते कि उनको डिजिटल काम किया जाए, वो लोग भी मतलब चाहते हैं कि ऑफिस में जाएं, उन लोगों को धक्का खाने का लोगों को खुद मन होता है, तो लोग डिजिटल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। लोग सोचते हैं कि यार EFIR कर देंगे, लोग ये सोचते हैं EFIR कर देंगे, पता चला मेरी FIR रिजेक्ट हो गई और FIR लॉज ही नहीं हुई, LODGE लॉज ही नहीं हुई FIR, ये बात लोग खुद समझते, तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। दूसरी बात एक्सेप्टेबिलिटी का, आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी बोली, कितनी भाषाएं हैं। यहाँ पर आप देखेंगे देवरिया साइड में यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ, ठीक है, गोरखपुर में यहाँ पे क्या है, भोजपुरी भी बोली जाती है। ठीक है, इधर आगरा साइड में चल जाएंगे तो आप हरियाणवी प्रभाव देखेंगे उत्तर प्रदेश की बोली का, अवधी प्रभाव देखेंगे। स्थानीय तौर पर काफ़ी चीज़ अलग अलग है, बुंदेलखंड में जनजातियाँ हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्र हैं, तो अलग अलग तभी यहाँ पर बोली भाषाएँ भी कुछ कुछ अलग अलग विविधता है, तो स्थानीयता का सम्मान नहीं किया गया। तो इस एक्सेप्टेबिलिटी में एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्थानीयता को ध्यान में नहीं रखा गया है। ठीक है, फिर अगला जो मैंने बताया था अवेयरनेस, जो मैंने ऑलरेडी देखे, तीसरा पॉइंट मेरा यही तो है अवेयरनेस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जागरूकता की कमी, तो चौथा क्या होगा, अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आप सीधे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से आप सोच सकते हैं, 4A अगर इश्यूज आपके दिमाग में है तो यहाँ पर आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है समाधान, तो जो तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि क्या क्या समाधान देंगे आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आपके दिमाग में क्या क्या समाधान आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या समाधान आ रहा है। भारत नेट परियोजना के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ना, भाई जो जो प्रॉब्लम थी, जो चुनौतियां थी, उन्हीं का एक एक करके समाधान बता दीजिए, वही तो हो गया आंसर कंप्लीट। तो मैंने बता दिया, वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने हेतु कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण, मतलब जो कार्मिक हैं, जो लोग को सेवाएं प्रदान करना है, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, उनको समयबद्ध प्रशिक्षण दिया जाए, उनके लिए आप लिख सकते हैं चाहे तो सिटीजन चार्टर का निर्माण किया जाए। ठीक है, सिटीजन चार्टर इसका यूज़ करिए ना, जो हमने प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन किया उसका यूज़ करिए। तो आप बताइए कि सिटीजन चार्टर का यूज़ किया जाए, इन चीज़ों का यूज़ किया जाए और उनको प्रशिक्षित किया जाए, ठीक है, ताकि वो काम सही से करें। ई गवर्नेंस सेवाओं का समयबद्ध अद्यतन किया जाए, यानी अपडेटेशन किया जाए, प्रोसेस री इंजीनियरिंग की जाए, एवं ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बेंचमार्क प्रथाओं का पालन हो। बेंचमार्क प्रथाएं मतलब अब देखेंगे केरल में, हरियाणा में, ये लोग ई गवर्नेंस जो रैंकिंग है इसमें टॉप की है, तो रैंकिंग में टॉप की, यानी कुछ बेंचमार्क प्रथाएं क्या हैं, जो सबसे बेस्ट प्रथाएं, तो इन बेस्ट चीज़ों का पालन उत्तर प्रदेश में भी किया जाए, इसी से देखा देखी पालन किया जाए। फिर मैंने निष्कर्ष लिख दिया, तो समाधान बता दिया, अब निष्कर्ष लिख दूंगा। निष्कर्ष क्या लिखूंगा, स्पष्ट है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से तीव्र, समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करते हुए समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं निष्कर्ष में यही बता दूंगा कि समावेशी विकास के लक्ष्य को ई गवर्नेंस से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और बताएं कि UPPCS का क्या अलग से ऐसे चलाया जाए अथवा इसको रहने ही दिया जाए। मैं क्या करूँगा अगर ऐसी दिक्कत आ रही है, आप लोग को लग रहा है कि नहीं सर UPSC रहने ही दिया जाए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको बताएं, तो मैं क्या करूँगा इसके आंसर लिख के ही अपलोड कर दिया करूँगा, क्योंकि मुझे तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है भाई, 25 अगस्त से UPPCS मेंस है ही। ठीक है, तो आप ऐसा बताते रहें, अपनी राय देते रहें, तो मुझे भी समझ में आएगा कि डिमांड क्या है। हालांकि अभी तक तो चैनल पर बहुत डिमांड नहीं है, क्योंकि मेरे प्रचारक केवल आप लोग ही हैं और आप लोग ही इसे सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो आपसे विनती है कि कृपया इसे जल्दी जल्दी करें, ताकि जो चैनल का जितना ज़्यादा प्रचार होगा, जितना आप लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, उतना ही मेरा भी इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों काम कर रहा हूँ इतना, कि मतलब लोग देख नहीं रहे हैं। और आप देखेंगे YouTube पे 50 चैनल ऐसे पड़े जिसमें कोई कंटेंट काम का नहीं है और उसमें मिलियंस में व्यूज़ हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। तो थोड़ा आप लोग भी एफर्ट करें, मैं भी एफर्ट करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलके कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएंगे।